चलिए आज हम लोग रिव्यू कर लेते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा नाम है दोस्तों, सूर्या के का मॉडल S5G जी जे नहीं दोस्तों GIO जो कि 4G, ठीक है। इसमें आपको जियो सिम भी सपोर्टेड मिल जाता है दोस्तों, जो कि बहुत ही कम प्राइस पर आपको 2GB रैम प्रोवाइड करता है, 16GB इंटरनल मेमोरी के साथ, दोनों कैमरा इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये गोल्डन कलर में अवेलेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है दोस्तों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे भी क्लिक करके आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। तो इसका प्राइस जो रखा गया है दोस्तों 4,999 रुपये, मतलब कि 4,100 रुपये मान लीजिए इसका प्राइस रखा गया है दोस्तों, ठीक है। 5.7 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले इसमें आपको दिया गया है, जो कि अच्छी बात है, बड़ा स्क्रीन मिल जाएगा इसमें आपको, ठीक है। 2GB रैम के साथ ही 1.3 GHz का क्वाड कोर MediaTek प्रोसेसर दिया गया है, एंड्रॉयड 7 के साथ, दोनों कैमरा 5 मेगापिक्सल दिया गया है, ठीक ठाक है। बैटरी दोस्तों बहुत ही अच्छा बैटरी दिया गया है इस प्राइस के अंदर, बहुत ही अच्छा बैटरी इसमें प्रोवाइड किया गया है, जो कि है 3200 mAh का बैटरी। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों ये फ़ोन अच्छा फ़ोन है, ठीक है। अब तो अनबॉक्सिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं हाथ में भी लेके नहीं बैठा हूँ, लेकिन ये फ़ोन जो रिव्यू में था मैं उसी को बता रहा हूँ कि ये फ़ोन देखने में अच्छा लगता है, सामने LED फ्लैश भी आपको मिल जाता है दोस्तों, तो लुक भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, कैमरा में थोड़ा सा क्वालिटी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अदर्स वाइज ये फ़ोन ठीक ठाक है, गेमिंग के लिए भी ठीक ठाक है ये फ़ोन। और इसमें आपको 2GB रैम MediaTek का प्रोसेसर दिया गया है, 3200 mAh का बड़ा सा बैटरी दिया गया है, ठीक है। तो देखने में फ़ोन अच्छा भी है, और इसको आप लोग ज़रूर परचेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे को जो लगता है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंडेंस है, थोड़ा कैमरा क्वालिटी में ख़राब भी आ सकता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बोल दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, कोई प्रॉब्लम होता है तो कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके